तो दोस्तों क्या है कि आज ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं साइंस से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, आज जो चैप्टर है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास, दोस्त इससे एक दो क्वेश्चन रहता ही है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला गया है। चैप्टर जो है आपका जैव विकास है, इसे मात्र 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्त आते ही है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को क्या कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो लोग अभी तक के मॉक टेस्ट नहीं दिए, मॉक टेस्ट फटाफट दे लीजिए, क्योंकि लिंक थोड़ी देर के बाद डीएक्टिव कर दिया जाएगा, एक नया लिंक आपको दे दिया जाएगा। इसलिए देर मत कीजिए, फटाफट एक आप जाकर के मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, फटाफट टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबका पीडीएफ उसी पे आ रहा है, ठीक है। और वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, मॉक टेस्ट का, जो भी ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, सभी का आप एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। चलिए, इसमें जो आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसका हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्त इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, पता लगेगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे दिया है कि होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। जी हाँ, होमोसेपियंस जो है मानव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, ये होमोसेपियंस किसके द्वारा दिया गया था यह है। या दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था यानी लिखा गया था, ठीक है। देखिए, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, जब जब आरआरबी का एग्जाम हुआ है तब तब ये क्वेश्चन उठा करके डाल दिया गया है, इसलिए टेक्निशियन में अब की बार भी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर वाइज चल रहा है, ये फिजिक्स खत्म हो चुका है, 800 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, ये बायो का चल रहा है, बायोलॉजी भी जल्द ही खत्म होने वाली है, ठीक है, एग्जाम से पहले सब कुछ हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए कि होमोसेपियंस जो है शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि सी लिनियस के द्वारा दिया गया था, या डार्विन के द्वारा दिया गया था, या तीसरा मिलर के द्वारा दिया गया था, या चौथा इसमें दे दिया है कि जे जी मेंडल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, होमोसेपियंस शब्द जो है सबसे पहले दिया गया था वो फर्स्ट नंबर सी लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है, सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, जो एक एक पॉइंट इसके बारे में बताएंगे आपको, और वो सभी पॉइंट नोट कीजिएगा, हो सकता है इसी पॉइंट से उठा करके एग्जाम में भी क्वेश्चन दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में भी दिया गया है और बता रहे हैं, पीडीएफ मिलेगा आपको, पीडीएफ में भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी नोट कर लीजिए इसको। देखिए, होमोसेपियंस, ठीक है, इसी के बारे में बता रहे हैं कि इसको सबसे पहले किसने नाम दिया था, सी लिनियस ने, ठीक है, होमोसेपियंस शब्द जो होता है, सो समझिए इसके बारे में, ठीक है। स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कौन है, ये लिनियस जो है, कैलोरियस लिनियस जो है वो क्या है कि आपका स्वीडन के एक जीव विज्ञान बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ठीक है, जीव विज्ञान के ही कहिए। उन्होंने क्या किया था कि आधुनिक मानव जो वैज्ञानिक नाम है आधुनिक मानव का, क्या, होमोसेपियंस, उन्होंने ही सबसे पहले ये नाम दिया था। होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है ये समझिए, होमोसेपियंस का मतलब होता है कि वैसा मानव जो काफी ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, मतलब कि वैसे ज्ञानी मानव का नाम दिया गया होमोसेपियंस जो बुद्धिमान थे, ठीक है, तो होमोसेपियंस का ही मतलब बुद्धिमान होता है, यह समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीवी है ना, वाक्यांश किसके द्वारा दिया गया था या किसके द्वारा लिखा गया था यह कहता है, ठीक है। तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए फिर पता लगेगा। पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा, दूसरा दे दिया है कि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, तीसरा आपको दे दिया है ऑप्शन इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया है कि आर्किमिडीज के द्वारा, किसके द्वारा गढ़ा गया था वो नाम, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर जीविता रखा गया है वो किसके द्वारा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसके द्वारा वाक्य जो है, एक सेंटेंस जो है रखा गया था, ये बताना है। तो दोस्त ये जो वाक्य जो था, ठीक है, वो किसके द्वारा रखा गया था, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, आप सेकेंड नंबर जो हर्बर्ट स्पेंसर उसके द्वारा जो है ये नाम रखा गया था, ये वाक्य मतलब लिखा गया था। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है लेकिन क्या होता है कि कार्य करने की जो तरीके होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है,
मतलब आप देखेंगे तो देखने में लगेगा समान है लेकिन सबका काम अलग अलग होता है, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे दिया कि जीवाश्म, दूसरा दे दिया है कि समरूप अंग, तीसरा दे दिया कि जाति वृत्ति नियम, या चौथा दे दिया है समजात अंग, क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो संरचनात्मक मौलिक रूप से देखने में एक समान लगते हैं लेकिन उनका कार्य अलग अलग होता है, काम अलग अलग होता है, उसको समजात अंग कहते हैं। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा, ठीक है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि यहां देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि पक्षी के पंख है, घोड़े का जो है आपका क्या है कि अग्र बल आगे का जो भाग देख रहे हैं ये, और मनुष्य का जो बाजू है ये देख लीजिए, ये सभी आगे का भाग होता है जो देखने में एक समान लगते हैं लेकिन इनका काम अलग होता है। जैसे पक्षी है तो पक्षी के आगे का भाग क्या होता है, उड़ने में काम करता है, घोड़े का दौड़ने में काम करता है, मनुष्य का हाथ क्या है किसी काम को करने उठाने में काम करता है। तो सबका काम अलग अलग है, तो कार्य अलग है लेकिन क्या है कि संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक समान है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, समरूप समजात कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको समजात अंग कहा जाता है। लेकिन एक और पूछता है आपको समरूप अंग, तो उसके बारे में समझ लीजिए। समरूप अंग क्या होता है कि आपको देखने में तो बिल्कुल क्या होगा कि अलग लगेगा लेकिन काम क्या होगा कि एक समान होगा, देखने में अलग उल्टा है, देखने में अलग लगेगा लेकिन क्या है कि काम सबका एक जैसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि समरूप अंग कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, जैसे कीट के पंख हो गया, चमगादड़ के पंख हो गया, व्हेल मछली हो गया तो व्हेल मछली का पंख हो गया, पक्षी का देख लीजिए पक्षी का पंख हो गया, ये सभी क्या है तो होते हैं कि सबका काम एक ही होता है, उड़ने का काम करता है, लेकिन संरचना की दृष्टि से अगर देख लिया जाए तो दोस्त सबका संरचना जो है बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन काम उड़ने का तैरने का काम एक ही समान होता है, ठीक है। तो इसको समरूप अंग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, समझ जाइएगा इससे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि डैश समरूप अंग है, देख लीजिए ऑप्शन में आपको बताना है कि डैश एक समरूप अंग है क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि लवास्टर की पूंछ और व्हेल के फाल, ये है। दूसरा नंबर ऑप्शन दे दिया है कि चमगादड़ का पंख और जो है व्हेल का पंख। तीसरा आपको दे दिया है इसमें कुत्ते का पैर और जो है डॉल्फिन का क्लियर, ये दे दिया है फ्लिपर दे दिया है ये, या चौथा दे दिया है मानव का हाथ और जो है बैल का पैर ये। तो समरूप किसको कहते हैं, जो आपको पता है कि काम एक जैसा करे लेकिन संरचना देखने में अलग अलग हो, तो संरचना अलग होता है लेकिन काम एक जैसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। अभी जस्ट पहले आपको मैंने बता दिया है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा ये फर्स्ट नंबर होगा कि लवास्टर का पूंछ और व्हेल मछली, ये दोनों का अलग अलग देखने में संरचना होता है लेकिन होता काम क्या है दोनों का, दोनों का काम एक ही होता है। देख लीजिए ये हो गया लवास्टर, ये हो गया ब्लू व्हेल, ठीक है। ये दोनों का पूंछ जो होता है, देख लीजिए एक का पूंछ है लवास्टर का पूंछ और व्हेल का फॉल, ये दोनों में क्या होता है आपको कि देखने में अलग अलग होता है लेकिन काम दोनों का एक ही होता है, तो उसको हम समरूप अंग के अंतर्गत रखते हैं और यही चीज इसमें पूछा जा रहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मानव जाति यानी होमो सेपियंस के प्राचीनतम जो दे दिया है कि सदस्य के अवशेष डैश में देखा जा सकता है, ठीक है, किसके कि कहां पे देखा जा सकता है ये बताना है, या दूसरे तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव जाति के अनुवांशिकता अनुवांशिक मूल कहां मौजूद है, ठीक है, जो होमो सेपियंस है जो हम लोग कहते हैं कि उसके पूर्वज हैं तो वो कहां पे मौजूद है, उसका ओरिजिन कहां है, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, ये बताता है, प्राचीनतम नवीनतम जो भी हो उसकी बात बता रहा है कि कहां पे है। तो ये कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है। तो ये जो है ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिखाते हैं फिर बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि उत्तरी अमेरिका, दूसरा आपको दे दिया है कि अंटार्कटिका, तीसरा आपको दे दिया है एशिया, और चौथा दे दिया अफ्रीका। दोस्त क्या है समझिए इस चीज को, तो दोस्त जो आपको हमें सेपियंस की जो बात बता रहा है तो उसकी जो ओरिजिन अगर माना जाए, उसकी मूल जो अनुवांशिकता माना जाए, वंशज माना जाए, कहां का है, कहां पे मौजूद है, तो दोस्त ये जो मौजूद है आपको बताते हैं ये अफ्रीका है, ठीक है, क्या है, अफ्रीका में है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बारे में समझ लीजिए, ये आपको बताते हैं, तो ये क्या है कि अफ्रीका में जो है आपका क्या है मानव होमो सेपियंस की जो है अनुवांशिक मिलता है वहां से, जो हम लोग जो मानव का पूर्वज कहते हैं हम लोग जो होमो सेपियंस का, उसकी बात बताते हैं।
तो मानव जाति होमो सेपियंस का एक प्राचीनतम सदस्य जो अवशेष कहां पे देखा जाता है, अफ्रीका में देखा जाता है, ठीक है। अभी तक जो खोज हुई है दोस्त उसके अकॉर्डिंग की बात अगर किया जाए तो अभी तक जो है माना जा रहा था कि 2 लाख साल पहले अफ्रीका में अपने पूर्वज मिले थे, मानवता पूर्वज मिला था, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की बात बताते हैं, जो नया खोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो अवशेष मिले हैं, जो फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, जो हड्डियों की अवशेष मिले उसके अकॉर्डिंग शोध किया गया और देखा गया तो पाया गया कि 2 लाख साल पहले नहीं बल्कि ये 3 लाख साल पहले से ही होमो सेपियंस के अवशेष वहां पे मौजूद थे। तो 2 लाख साल ये गलत हो गया, 3 लाख साल अब हो गया। कभी कभी ये पूछ देगा कि कितने साल पहले होमो सेपियंस के जो है अवशेष आपका मौजूद था अफ्रीका में, तो 2 लाख मत मारिएगा, 3 लाख मारिएगा। ये कब की खोज की बात बता रहा है, तो ये 2015 की खोज की बात बता रहा है, ध्यान रखिएगा। 2015 में वहां पे मिला था अवशेष, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है ये चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, दे दिया है कि अपैरिन, ठीक है, का सिद्धांत किससे संबंधित है। मतलब समझ लीजिए कि जीवन या जैव सिद्धांत के बारे की बात बता रहा है कि इसमें से किससे संबंधित रखता है। तो फर्स्ट नंबर देख लीजिए, इसमें दे दिया है कि रासायनिक विकास से संबंध रखता है या जैविक विकास से संबंध रखता है या तीसरा भौतिक विकास से या कृत्रिम विकास से संबंध रखता है। तो समझिए ओपेरिनी की बात कर रहा है ना इसमें, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन की बात कर रहा है कि सिद्धांत जो है दोस्त वो डिपेंड करता है किस पे, रासायनिक विकास पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसी से संबंधित है ये। तो ये पूछता है ये चीजें, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन से प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने में और विलुप्त को रोकने में जो है आवश्यक होती है, जिसके कारण क्या हो कि जनसंख्या या जो आपकी पूर्वज जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक के कायम बनी रहे, विलुप्त ना हो, गायब ना हो, वो किस प्रक्रिया के तहत हो सकती है। ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि प्रजनन, दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि संचरण, और तीसरा ऑप्शन दे दिया है श्वसन, और चौथा ऑप्शन दे दिया है पाचन। किसके थ्रू आपका अस्तित्व कायम रहेगा, आपके पूर्वजों का अस्तित्व कायम रहेगा किसके थ्रू? तो देखिए अपना अस्तित्व कब कायम रहता है, जब मान लीजिए कि अपना कोई संतान होता है, वह संतान क्या करता है कि शादी करके एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, फिर वह अगला संतान अगले संतान की उत्पत्ति करता है, फिर अगला संतान अगले संतान की उत्पत्ति करता है। ऐसे में क्या होता है कि पूर्वजों के अस्तित्व को कायम रखते हैं, वो किसकी प्रक्रिया कहलाती है ये आपको पता है, तो ये जो कहलाती है प्रजनन, ठीक है। जब तक प्रजनन नहीं होगी विकास आगे क्या होगी कि संतान की नहीं होगी और आगे पूर्वज की विकास नहीं होगी, मतलब पूर्वजों जो संतान आएंगे उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ती चलेगी, तो ये प्रजनन के थ्रू ही होता है ये चीजें। इसलिए ऑप्शन जो है मेरा क्या होगा, फर्स्ट नंबर करेक्ट होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ, हम आपको इससे पहले ही चर्चा कर दिए थे कि द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, या एक इंग्लिश बुक है, अंग्रेजी में लिखी गई किताब है, किसके द्वारा लिखी गई थी ये समझ लीजिए। पहला देख लीजिए, इसमें तो आपको बता ही दिए थे, डायरेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, ये थर्ड नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, चार्ल्स डार्विन, इन्हीं के द्वारा द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आप ये समझ लीजिए कि कब प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक, 24 नवंबर 1869 में इनका क्या हुआ था कि पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जो है, ठीक है, द स्पीसीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई थी। पुस्तक भी देख लीजिए, ये चार्ल्स डार्विन साहब का यही है जो प्रकाशित हुई थी, इसी में वो जो सेंटेंस आप देखे थे वो इसमें मेंशन किया गया था, फर्स्ट नंबर वाली जो है सो, ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे, मतलब डायनासोर का उदय हुआ था और काफी विकास उस समय कर गया था, किसके दौरान। तो देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि प्रोटो जुराई के इरा के दौरान, इरा मतलब इसकी जो है या सेशन कह सकते हैं उसको, या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि सीनोजाइक इरा के दौरान, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि पेलियोजोइक इरा के दौरान, या चौथा इसमें दे दिया है आपको
कि मेसोजोइक इरा के दौरान तो किसमें हुआ था, जिसके जिसमें क्या हुआ था कि डायनासोर का उस समय काफी ज्यादा फल फूल गए थे, ज्यादा विकास हो गया था, उसमें डायनासोर का राज चलने लगा था, किस समय हुआ था? तो दोस्त ये जो आप फोर्थ नंबर ऑप्शन देख रहे हैं मेसोजोइक इरा उसी समय की बात है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है, समझना जरूरी है। आपको हम बताते हैं, ये आप देख रहे हैं क्या है, ये मेसोजोइक जो इरा जो थी उसकी अवधि जो थी आपको हम बता देते हैं, जो डायनासोर का काल था वो उसकी बात बता रहे हैं। उसकी काल जो था 2200 करोड़ साल पहले, 2200 करोड़ साल पहले से 7 करोड़ साल पहले तक की मानी जाती है, ठीक है, 22 करोड़ साल से लेकर के 7 करोड़ साल तक की उसकी अवधि मानी जाती है। किसकी? मेजोइक इरा, यानी कि जो डायनासोर का काल था उसकी बात बता रहे हैं। उस समय क्या था आपको देख लीजिए, आपको उस समय जो था क्या था कि रेंगने वाले जीव जो थे अधिक मात्रा में विद्वान थे, जिसमें क्या था कि डायनासोर भी था, रेंगने वाले जीव जो जमीन पे रेंगते थे। इसी समय में क्या हुआ था कि डायनासोर का विकास हुआ था और इसी समय ये इन्होंने पूरे साम्राज्य अपना कायम कर लिया था पृथ्वी पे, बहुत ज्यादा फल फूल गए थे। इनके अलावा इनके सामने कोई भी जीव जंतु ठहर नहीं पाते थे, इनका उतना साम्राज्य फैल गया था, ठीक है, मानव तो उस समय कुछ भी नहीं था। तो इसकी बात बता रहे हैं, तो इसमें अब देखिए इसमें आपको बता रहे हैं कि इरा जो है, जो आपको बता रहे हैं उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन भाग में डिवाइड किया है गया ये भी समझ लीजिए, ये तीन भाग है, जुरैसिक है, ट्रियासिक है और क्रेटेसियक है, ठीक है। ये तीन भाग में क्या है कि डायनासोर के काल को डिवाइड किया गया है, कल्प इरा जो बता रहे हैं। सो लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो फले फूले थे डायनासोर वो था जुरैसिक, जुरैसिक पार्क तो देखे होइएगा, इससे याद होगा। तो जुरैसिक में क्या था कि सबसे ज्यादा डायनासोर का साम्राज्य फैला गया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं दोस्त, नोट करते चलिएगा, देख लीजिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है जो नई प्रजाति, ठीक है, जो नई प्रजाति के विकास के परिभाषा के कारण परिवर्तन हुआ है, ठीक है, क्या है, किसके कारण, प्रजातियों के विकास के कारण परिभाषा परिवर्तन हुआ है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में पता चलता है आपको कि प्राकृतिक चयन के द्वारा या पुनर्संयोजन के द्वारा, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें उत्परिवर्तन के द्वारा, चौथा आपको दे दिया है कि नॉन रेडिट मेटिंग के द्वारा, किसके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ये जो परिवर्तन हुआ था वो हुआ था उत्परिवर्तन के द्वारा, थर्ड नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आगे आपको बता देते हैं, हाँ, तो इसमें आप अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से किसे दे दिया है कि ट्वायरंट ट्वायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्वायरंट लिजार्ड किंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है ट्वायरंट जो है लिजार्ड के नाम से जो जाना जाता है वो ऑप्शन देख लीजिए, ये थर्ड नंबर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये मेरा करेक्ट होगा, ट्वाय दे दिया है कि टायरेसोरस, टायरोनसोरस रेक्स, इसी को क्या कहा जाता है कि ट्वायरंट लिजार्ड किंग के नाम से जाना जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिएगा तो थोड़ा आसानी होगा। जैसे कि आपको बताते हैं कि ट्वायरेनोसोरस, ठीक है, ट्वायरेनोसोरस जो क्या है कि एक विलुप्त तो हो गई डायनासोर का एक प्रजाति है, क्या है, एक डायनासोर का प्रजाति है जो विलुप्त हो गया था उसी का, देख लीजिए ये, इसे ही क्या कहा जाता है कि टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि यह क्या था कि जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल जानवर में से एक था, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें दोस्त, इसकी लंबाई जो था वो 12.8 मीटर के आसपास में था, या कहिए 42 फीट के आसपास में था इसकी लंबाई, ठीक है। इसके अवशेष की अगर बात कर ले, देख लीजिए इसका अवशेष बताते हैं, ये फॉसिल्स है इसका, इसकी फॉसिल्स की लंबाई की अगर बात करें हम, अब मतलब लंबाई की कह रहे हैं, इसकी फॉसिल्स के आधार की बात करें कि कब इसको प्राप्त किया गया था, तो दोस्त ये 6.5 से 7.5 कहिए करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था ये, ठीक है।
तो ये चीज है, तो इसको समझिए, इसी को आपको टायरेंट लिजार्ड किंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि विकास का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जी हाँ, यह भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और हमेशा जब भी मान लीजिए आता है क्वेश्चन आपको पूछ देता है, तो कभी ये वाला हिंदी वाला नाम दे देगा, तो कभी अंग्रेजी वाला नाम दे देगा, लेकिन घबराना नहीं है, सब जो है ध्यान में रखना है। ये जो दिया गया था ये किसके द्वारा है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत, समझ लीजिए चीजें। तो जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो ये चीजें है। चलिए अगला बताते हैं, अगला क्वेश्चन में आपको इन्होंने द स्पीसीज ऑफ द ओरिजिन का नाम भी दिया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मानवीय विकास संबंध में हाल ही में 2015 में खोज की गई करी कौन से जीवाश्म की खोज की गई थी, ये बताना है। हम आपको इससे शुरू में भी पहले बताए थे कि होमो सेपियंस जो थे, जो अफ्रीका में खोज की गई थी, तो वो 2015 में खोज की गई थी, उसमें उससे पहले जो लोग कहा करते थे 2015 से पहले कि 2 लाख साल पहले जो है होमो सेपियंस का प्रजाति माना जाता है या कहा जाता है आए थे होमो सेपियंस, लेकिन वो नहीं, 2015 के बाद जो ये नई खोज हुई थी इसी कड़ी के दौरान उसमें जोर दिया गया था कि 2 लाख साल पहले नहीं बल्कि 3 लाख साल पहले की बात, जो होमो सेपियंस की अवशेष मिले उसके आधार पे, ठीक है। तो इसी में आपको कहा जा रहा है कि मानवीय विकास के संबंध में जो हाल ही में 2015 में खोज की गई थी करी, वो इनमें से जो है जीवाश्म किसकी जीवाश्म की खोज की गई थी, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया लूसी, दूसरा नंबर में दे दिया होमो सेपियंस, तीसरा होमो लिनेड नेलेडी, चौथा दे दिया कि ऑस्टियोप्लियोन्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 2015 की बात बता रहा है कि उसमें जो नई करी में जो है आपका जीवाश्म की जो नई खोज की गई थी वो की गई थी आपका थर्ड नंबर होमो नेलेडी, होमो नेलेडी, ठीक है, कहां पे खोज की गई थी, अफ्रीका में, ठीक है, तो होमो नेलेडी अफ्रीका में ही खोज किया गया था, दक्षिण अफ्रीका की बात बता रहा है, तो वहां पे ये खोज किया गया था। उसी समय से लोगों को ये पता चला कि 2 लाख साल पहले नहीं बल्कि 3 लाख साल पहले जो है होमो सेपियंस का जीवाश्म वहां पे मौजूद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक यानी कि अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है, ठीक है, किसने ये सुझाव दिया था कि जो जीवन की जो अपनी सरल जो है अकार्बनिक जो है पदार्थों से विकसित हुआ है, अजैव से विकसित हुआ है, ये किसने सुझाव दिया था, पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि मोरे के द्वारा, दूसरा डार्विन के द्वारा, तीसरा आपको दे दिया है कि हॉल्डेन के द्वारा, चौथा मेंडल के द्वारा, किसके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये सुझाव जो दिया था कि जीवन जो है सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है, ये सुझाव किनका था, ये हॉल्डेन का था, ठीक है, तो ये हॉल्डेन ने ही ये सुझाव दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण जो था मुख्य रूप से बना हुआ था, सबसे पहले यानी शुरू की बात कर रहा है, जिस समय पृथ्वी का निर्माण शुरू ही हुआ था या उस समय स्टार्टिंग पॉइंट पे ही था, उस समय की जो वातावरण था वो किससे बनी हुई थी, ये बताना है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर आपको दे दिया है कि NH3, CH4 और H2S, ये वातावरण मौजूद था, या देख लीजिए इसमें सेकेंड नंबर दे दिया है कि NH3, CH4 और जो है O2, चौथा आपको दे दिया है कि NH3, H2S और जो है O2, और चौथा आपको दे दिया है इसमें कि CH4, H2S और O2, ये वातावरण था। तो ध्यान रखिएगा, उस समय की वातावरण की अगर बात करें, शुरू के दौर की अगर बात करें, तो शुरू के दौर में ध्यान रखिए कि उस समय तो ऑक्सीजन था ही नहीं, ऑक्सीजन अगर रहता तो जीवन उसी समय पनपता, लेकिन शुरुआती की दौर की बात कर रहा है, उस समय जो वातावरण था, उस समय ये फर्स्ट नंबर जो देख रहे हैं उससे मिलकर के वातावरण बना हुआ था, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट और जो है आपका ये हाइड्रोजन और मेथेन, ये तीन उस समय द्रव अवस्था में था, ध्यान रखिएगा ये भी तीनों क्या थे, द्रव अवस्था में थे, ना कि गैसीय अवस्था में थे। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि जब प्रकाश सूर्य से परा था, जब प्रकाश सूर्य से परा था तब तो उस समय क्या था कि
हाइड्रोजन पे पड़ा था, तो जल पे पड़ा था उस समय, जो लिक्विड में था उस समय, तो हाइड्रोजन के अणु को अलग कर दिया था, ऑक्सीजन के अणु को अलग कर दिया था। फिर जो है बहुत सारे गैस जो है क्या हुआ कि वातावरण में ऊपर जाकर ओजोन परत में जाकर के संघनित हो गए थे। संघनित होने के बाद वहां से क्या हुआ था कि बारिश हुआ था। बारिश होने के बाद जो है वहां पे धीरे धीरे यही जलवाष्प और बारिश जो है बनना शुरू हुआ था। फिर जाकर के जो है क्या हुआ कि वहां पे धीरे धीरे जीवन की शुरुआत हुई थी। लेकिन सभी लोगों का अपना अपना मत है, लोग अपने अपने मायने से कहते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत कहाँ हुई थी, कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये चीजें, बारिश हुई थी, गड्ढे जो हुए थे उस समय गड्ढे भरना शुरू हुए बरसात के पानी की वजह से, जो महासागर झील बहुत सारे बहुत कुछ बन गए थे, तो ये सब चीजें हुआ था। पृथ्वी को ठंडा होने में वक्त लगा था। ये लंबी कहानी है, ठीक है, तो इसको कहाँ तक खींचा जाए, जब पढ़ना हो डिटेल तब पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसमें कि डैश गैस उस समय जो है अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं था। कौन सी गैस उस समय पृथ्वी की बात कर रहा है, जिसमें पृथ्वी की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, जीवन उस समय धीरे धीरे परंपरा शुरू ही नहीं हुआ था, शुरू भी नहीं हुआ था उस समय की बात कर रहा है कि जीवन की उत्पन्न हुआ था। जब जीवन उस पर क्या हुआ तो उत्पन्न होना शुरू हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज में था। तो कौन सी गैस जो था मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं था। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि ऑक्सीजन, दूसरा दे दिया है मीथेन, तीसरा आपको दे दिया है कि अमोनियम, और चौथा दे दिया हाइड्रोजन। तो ध्यान रखिएगा उस समय मुक्त अवस्था मतलब क्या, फ्री फ्री वाले जो है स्पेस मतलब कि जगह पे मौजूद नहीं था ये चीज। तो उस समय जो था फ्री स्टेज में, जो मुक्त मुक्त अवस्था में नहीं था, ये ऑक्सीजन मेरा दियो नहीं था उस समय, ठीक है, पृथ्वी पर उस समय जो है ऑक्सीजन ही मुक्त अवस्था में नहीं था, वरना मीथेन, अमोनियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट ये सब क्या था कि था, मौजूद था बहुत कुछ। पराबैंगनी प्रकाश किरण के आने के बाद जब घटित हुआ, बहुत कुछ हुआ था उस समय, तब जाकर के ऑक्सीजन का निर्माण धीरे धीरे हुआ था, पेड़ पौधे अपना अपना शुरू हुआ था, पेड़ पौधे ही नहीं थे उस समय, ठीक है। तो ये चीजें था, समझिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस समय दे दिया है दोस्त कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग है, ठीक है, कौन सा अंग जो है एक अवशेषी अंग है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि मस्तिष्क, दूसरा दे दिया है कि अपेंडिक्स, तीसरा आपको दे दिया है कि अकल जो है दाढ़, ठीक है, बुद्धि वाला दांत जो होता है सो, या चौथा आपको दे दिया है कान की मांसपेशियां। दोस्त क्या, तो ध्यान रखिएगा ये जो ऑप्शन जो होगा जो मेरा करेक्ट होगा वो मस्तिष्क होगा, ठीक है, ये क्या है कि अवशेषी अंग नहीं है, बाकी जो जितना भी देख रहे हैं आप वो एक अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत कहता है क्या है। पहला ऑप्शन देख लीजिए उत्परिवर्तन, ठीक है, दूसरा वंशानुक्रम, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि कॉस्मिक विकास, चौथा आपको दे दिया है कि किण्वन की क्रिया। तो दोस्त जैव विविधता का जो आधारभूत स्रोत जो है वो उत्परिवर्तन है, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, उसी के द्वारा जो है जैव विविधता हुआ था, ठीक है। चलिए अगला को दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि 10 लाख वर्ष से आदि मानव जीवों के क्रमिक परिवर्तन का एक अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि प्रजातियों का गठन होता है, ठीक है, यह बताता है। तो किसके लाखों वर्ष आदि मानव के क्रमिक परिवर्तन अनुक्रम है यह बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, डायरेक्ट आंसर पे ही लेकर के आपको चलते हैं, ऑप्शन कितना बताएं, देखिए ऑप्शन डायरेक्ट आंसर बताते हैं कि क्रमागत उन्नति, ये फोर्थ नंबर जो आप देख रहे हैं वो करेक्ट है, क्रमागत उन्नति। अब क्रमागत उन्नति के द्वारा ही क्या था कि लाखों वर्ष से आदि मानव जीवों का क्रम क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ। पहले शुरू में क्या थे मानव, किस तरह से रहा करते थे, फिर कैसे हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, वो किसके वजह से हुआ, क्रमागत उन्नति के वजह से हुआ, ठीक है, क्रमागत उन्नति से। हम लोग जो अभी डेवलप्ड कर रहे हैं, आगे फिर जो डेवलप्ड करेंगे फ्यूचर में, वो किसके गत, तो वो क्रमागत उन्नति के तहत, ठीक है, उसी के तहत जो है क्या होगा कि मानवों में विकास धीरे धीरे होता रहता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और ये जैव जैव इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, दे दिया है कि क्वेश्चन कि जीवों के द्वारा जीनों के लिए और क्या है कि अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूल वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये
प्रकृति का चयन किया जाता है, ये फर्स्ट नंबर देख लीजिए। जे जिस जगह पे मानव रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रकृति हो या मानव उस प्रकृति में एडजस्ट कर सके, तो वहां पे क्या होगा कि जीन जो मानव के अंदर है वो भी क्या होगा कि हेल्दी होगा, और वहां भी क्या होगा कि वंश की वृद्धि जो है अच्छे से वहां पे करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जहां पे मानव रह रहा है आप प्रकृति उसके ठीक विपरीत अनुकूलित हो जाए, तो क्या मानव का अस्तित्व वहां पे रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वहां पे क्या होना चाहिए कि पर्यावरण प्रकृति सभी जो है मानव के अनुकूल अगर है, या मानव उस अनुकूलित जगह पे जाता है, तो वो अपने वंश की वृद्धि और जो है आगे जो है वंशज चला सकता है, अपना जीवन अच्छे से जी सकता है, ठीक है। तो वो जो कहलाता है वो प्रकृतिक चयन कहलाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए तो दोस्त, ये था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप किसे है तो आपको बता ही दिया है कि किसे है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये सभी चीजों को। जैव विकास से जो है आपका ये क्या कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है जो जैव विकास है, इससे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो डार्विन के सिद्धांत से पूछा जा सकता है, होमोसिपियंस से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो है स्पीसीज जो जो देखे हैं आप, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, उसी से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब थोड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इस सबसे आते रहता है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको सेट रखिएगा माइंड में, आप इसको पकड़ लीजिएगा, कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं कि जो लोग बता देते हैं कि जो लोग अभी नए हैं और नए हैं वीडियो अभी देख लिए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बाद में आप पछताते रह जाइएगा, ठीक है। फिर आपको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, टाइम कम है, इसलिए जहां मिले जितना मिले मेटेरियल वहां से प्राप्त कर लीजिए और तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि टेक्नीशियन में अगर आपको जॉब लेना है सीरियस से अगर तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं तो बाद में पछताते रहिएगा। और जो लोग अभी मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त, जाकर के मॉक टेस्ट दे लीजिए, आपका स्कोर कार्ड अगले वीडियो में प्रकाशित कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।